अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल हरीम किचन व्लॉग में, और जो न्यू है प्लीज़ हमसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ भिंडी गोश्त का सालन, जिसके लिए मैंने लिया है बीफ। आपकी डिपेंड करता है आप मटन यूज़ करें या चिकन। मैंने लिया है बीफ, और इसमें मैंने ऐड किया है 2 बड़े साइज़ के प्याज, 3 से 4 अदर टमाटर रफली कटिंग किए हैं, और इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ अदरक लहसुन। आप पर डिपेंड करता है, आप इसमें पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अदरक लहसुन का। स्पाइसेस में मैंने डाल दिया है नमक और सूखा धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, और 1 से तकरीबन 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। ये सब ऐड करके अब इसमें मैं आधा ऑयल अभी यूज़ करूँगी, और आधा ऑयल जो है वो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। अब इसमें मैं 2 कप पानी के फुल साइज़ डाल के कवर कर दूँगी, और गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी। साथ ही साथ मैं भिंडी को फ्राई कर रही हूँ फुल गर्म ऑयल में। फुल गर्म ऑयल इसलिए लिया है ताकि हमारी भिंडी जो है नरम ना हो, और उसके जो बीज है वो बाहर ना निकले। तो ये देखें गोश्त तकरीबन हो गया है, गल चुका है, और देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रेवी बन चुकी है। अब इसमें ऐड कर दूंगी भिंडी जो फ्राई करके रखी थी साइड पे, और इसे अब मैं हल्का हल्का चम्मच हिलाऊंगी ताकि भिंडी जो है वो टूट ना जाए। भिंडी गोश्त का सालन हो गया है रेडी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बना है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।